हेलो एवरीबॉडी, आई होप आप सब हेल्दी होंगे। मैं हूं आपकी बायोलॉजी एजुकेटर शिवानी मैम। वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन्स, जो आपको प्रोवाइड कराता है किंडरगार्टन टू क्लास 12 हर क्लास हर सब्जेक्ट की क्वालिटी एजुकेशन, वो भी बिल्कुल फ्री। जी हां, आपने सही सुना, मैग्नेट ब्रेन्स प्रोवाइड कराता है अनपेड सब्सक्रिप्शन। आपको किसी भी क्लास किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए कोई भी पेड सब्सक्रिप्शन लेने की ज़रूरत नहीं है, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड हो, यूपी बोर्ड हो, बिहार बोर्ड हो या एमपी बोर्ड हो। आपको हर क्लास हर सब्जेक्ट के टॉपिक वाइज एक्सप्लेनेशंस मिलेंगे, साथ में मिलेंगे ढेर सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस। इतना ही नहीं, आप अवेल कर सकते हैं ई नोट्स एंड ई बुक, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है। तो चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। आज की वीडियो हमारी क्लास 12 बायोलॉजी यूनिट नंबर 7 दैट इज जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन, और हम कवर करेंगे इसका पहला चैप्टर दैट इज प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है, ये चैप्टर नंबर 4 है। वैसे जेनेटिक्स का चैप्टर नंबर 1 है, बट आपकी एनसीईआरटी के हिसाब से ये जेनेटिक्स में क्या है, आपकी एनसीईआरटी बोल रही है चैप्टर नंबर 4 है। और इसके अंदर हम कवर करेंगे इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन का लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। तो आर यू गाइज रेडी? चलते हैं। तो देखिए, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या बोलता है। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन बोलता है दिस इज बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट एलील्स डू नॉट शो एनी ब्लेंडिंग। अब ब्लेंडिंग का मतलब क्या होता है भाई? देखिए, ब्लेंडिंग का मतलब होता है मिक्सिंग। क्या होता है? मिक्सिंग। तो हमने पढ़ा था अकॉर्डिंग टू मोनोहाइब्रिड क्रॉस, है ना, लॉ जो मेंडल का मोनोहाइब्रिड क्रॉस था, उसमें 2 लॉ थे। पहला लॉ था लॉ ऑफ डोमिनेंस और दूसरा लॉ था लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। तो लॉ ऑफ डोमिनेंस में हमने क्या देखा था कि जो अपने आप को एक्सप्रेस कर पाए, जो एलील अपने आप को एक्सप्रेस कर पाए इन हेट्रोजाइगस कंडीशन, तो वो क्या होता है? डोमिनेंट एलील, है ना। तो हमने उसके एक्सेप्शन भी पढ़े थे कि उसका एक्सेप्शन है आपका इनकम्प्लीट डोमिनेंस एंड को डोमिनेंस, है ना। मतलब ये यूनिवर्सली एक्सेप्टेड लॉ नहीं है, कहीं कहीं इसके एक्सेप्शन देखने को मिले थे, बट लॉ ऑफ सेग्रीगेशन हम जो पढ़ते हैं उसका कोई एक्सेप्शन नहीं है, एज सच कोई एक्सेप्शन नहीं है, ये यूनिवर्सल एक्सेप्टेड लॉ है। ओके चलिए, तो उन्होंने क्या बोला कि जब हम क्या करते हैं, गैमीट्स बनाते हैं, तो गैमीट्स बनाने के दौरान एलील्स का सेग्रीगेशन होता है। इस सेग्रीगेशन में किसी भी प्रकार के एलील का कोई भी मिक्सिंग, इंटरमिक्सिंग नहीं होती। यहाँ पर किसी भी प्रकार की ब्लेंडिंग देखने को नहीं मिलते। यहाँ पर जो एलील होते हैं एज इट इज़ ट्रांसफ़र होते हैं वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन। क्लियर है? तो देखिए, इन्होंने क्या बोला, दिस लॉ इज़ बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट द एलील्स डू नॉट शो एनी ब्लेंडिंग एंड दैट द बोथ कैरेक्टर्स आर recovered as such as in F2 generation, though one of these is not seen in F1 stage. ठीक है, तो उन्होंने क्या बोला कि हमने क्या देखा था, लॉ ऑफ डोमिनेंस में देखा था कि लॉ ऑफ डोमिनेंस में क्या हो रहा था, F1 जनरेशन में जो रेसेसिव पेरेंट के कैरेक्टर है, एलील है, वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे थे, बट F2 जनरेशन में वो एक्सप्रेस कर पा रहे हैं। तो ये वही बात बोल रहे हैं कि यहाँ पर लॉ ऑफ सेग्रीगेशन के हिसाब से मिक्सिंग नहीं हो रही, ब्लेंडिंग नहीं हो रही, और जो कैरेक्टर है एक पेरेंट और दूसरे पेरेंट से एज इट इज़ ट्रांसफ़र हो रहे हैं किसमें, नेक्स्ट प्रोजेनी में, जैसे हम F1 जनरेशन बोल रहे हैं, और F1 जनरेशन में जो रेसेसिव पेरेंट है उसके कैरेक्टर एक्सप्रेस नहीं हो रहे, बट F2 जनरेशन में ये रेसेसिव कैरेक्टर भी क्या कर पा रहे हैं, एक्सप्रेस कर पा रहे हैं। ओके चलिए, तो चलते हैं, हम बात करते हैं किसकी, पेरेंट की। किसकी? पेरेंट की। ये क्या आप कर रहे हैं हम, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। ओके चलिए, तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या करता है, क्या समझाता है, समझते हैं। तो देखिए, आपके 2 पेरेंट हो गए, ये पेरेंट, ये पेरेंट, ठीक है। ये जो पेरेंट हैं ये कैसे हैं? टॉल है ना। सपोज ये पेरेंट जो है ये क्या है? टॉल है। और हमें जो पेरेंट है वो कैसे लेना? प्योर लेना। कैसे लेना? प्योर, मतलब होमोजाइगस कंडीशन लेनी। हमें क्या लेना है? होमोजाइगस कंडीशन। तो यहाँ पर जो पेरेंट है वो कैसे है? प्योर टॉल है। क्या है? प्योर टॉल है। और यहाँ पर जो पेरेंट है वो क्या है? प्योर ड्वार्फ। ओके चलिए, तो प्योर टॉल की बात करें तो ये प्योर टॉल जो कैरेक्टर शो हो रहा है, जो फिनोटाइप आपको शो हो रहा है, वो एलील्स की वजह से हो रहा होगा। तो यहाँ पर प्रेजेंट होगी पेयर ऑफ एलील। तो ये है कैपिटल टी जो एक्सप्रेस कर रहा है किसको, प्योर टॉल कैरेक्टर को। वहीं पर हम प्योर डॉफ की बात करें तो इसके लिए भी क्या, दो एलील रिस्पॉन्सिबल होगी, दो पेयर ऑफ एलील जो है, पेयर ऑफ एलील यहाँ पर क्या होगी, रिस्पॉन्सिबल होगी। ठीक है, तो ये तो हो गए हमारे पेरेंट, क्या हो गए, पेरेंट। अब पेरेंट क्या बनाते हैं, गैमीट्स फॉर्म करते हैं। ओके, तो हम क्या करते हैं, गैमीट फॉर्म कर लेते हैं। यहाँ पर हमने गैमीट फॉर्म करे। अब जब गैमीट फॉर्म होते हैं तो क्या होता है, जो क्रोमोसोम होते हैं उनका सेग्रीगेशन होता है ना। हम जैसे देखते हैं कि हम डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म है, हम क्या है, डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म है। हमारे बॉडी के हर एक सेल के अंदर टोटल कितने क्रोमोसोम्स है, 46 क्रोमोसोम है ना। कितने, या हम बोलते हैं 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम है। ओके, हर एक क्रोमोसोम का एक होमोलोगस क्रोमोसोम है, जिसमें से 22 पेयर जो होते हैं वो ऑटोसोम होते हैं, एंड जो 23rd पेयर होता है उसे हम सेक्स क्रोमोसोम कहते हैं। ठीक है, तो वहीं पर हम मेल में सेक्स क्रोमोसोम देखते हैं तो वो क्या होता है, XY है ना, और फीमेल में देखते हैं तो क्या होता है वो XX। तो यहाँ पर हर एक जो क्रोमोसोम है उसका एक क्या है, साथी है, पेयर है। ठीक है, जिसे हम होमोलोगस क्रोमोसोम कहते हैं, राइट। चलिए, तो अब होमोलोगस क्रोमोसोम जब होते हैं तो हमने देखा है डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म जो होते हैं उनके गैमीट बनते हैं, वो कैसे होते हैं, हैप्लॉयड। क्यों मैम, हैप्लॉयड क्यों होते हैं, डिप्लॉयड ही क्यों नहीं रहते, क्योंकि यहाँ पर दो गैमीट का फ्यूजन हो रहा है, इनकी सिनगैमी हो रही है। अगर मैं एक जो पार्टनर है, मेल पार्टनर है, उससे 46 क्रोमोसोम ले लूँ और एक पार्टनर से 46 क्रोमोसोम ले लूँ तो भाई ये जो क्रोमोसोम होंगे वो कितने हो जाएंगे, 92। ये तो घोर पाप हो गया। हमें तो क्या करना है, क्रोमोसोम का नंबर जो है कांस्टेंट रखना है, जनरेशन आफ्टर जनरेशन, हर सक्सेसिव जनरेशन में क्रोमोसोम का नंबर क्या रखना है मेरे को, कांस्टेंट। तभी तो एक स्पीसीज बनेगी, नहीं तो स्पीसीज चेंज हो जाएगी, पता चले ह्यूमन के बच्चे दाना बन रहे हैं। ऐसा तो नहीं करना हमें, ह्यूमन के जो है प्रोजेनी ह्यूमन ही रहनी चाहिए। तो उसके लिए हमें क्या करना है, हर एक सक्सेसिव जनरेशन में क्रोमोसोम का नंबर कांस्टेंट रखना है। ओके, चलिए, तो हम कैसे कर सकते हैं, हम क्या करेंगे, जो मेल पार्टनर है और फीमेल पार्टनर है उसके जो क्रोमोसोम जो गैमीट्स बनेंगे उसमें क्या कराएंगे, हम मियोसिस कराएंगे। मतलब जो आपके क्रोमोसोम हैं जब गैमीट बनेंगे, उनसे सेल से गैमीट बनेंगे, स्पर्म या ओवम बनेंगे, तो उस दौरान क्या होगी, मियोसिस होगी। अब मियोसिस होगी तो क्रोमोसोम का नंबर क्या हो जाता है, हाफ। क्यों हो जाता है हाफ, क्योंकि मियोसिस जो होती है वो रिडक्शनल डिवीजन होती है। रिडक्शनल डिवीजन का मतलब अगर क्रोमोसोम नंबर जो क्रोमोसोम का नंबर 46 है तो ये क्या हो जाएगा, हाफ, और इसका हाफ क्या होता है, 23। अगर मैं बोलूँ कि क्रोमोसोम 40 है तो इसमें मियोसिस होगी तो क्रोमोसोम कितने बचेंगे, 20 है ना। तो 20 जो है मेल से आएंगे और 20 फीमेल से आएंगे, तो टोटल 40 हो गए। क्लियर है। वैसे ही हम हमारी बात करें तो 23 किस में आएंगे, स्पर्म में आएंगे, एंड 23 ओवम में आएंगे। तो टोटल कितने हो जाएंगे, 46, जो कि कांस्टेंट रहेंगे। अब यही हमें क्या करना है, यहाँ पर करना है। ओके, चलिए, तो यहाँ पर हमें क्या करना है, पहले गैमीट बनाना है। क्या बनाना है, गैमीट। तो बना लेते हैं, उसमें क्या बड़ी बात है, गैमीट बनाने में कौन सी बड़ी बात है, गैमीट बना लेते हैं। तो मैंने क्या करा, गैमीट बनाया। किस प्रोसेस से बनता है, गैमेटोजेनेसिस से। तो यहाँ पर मैंने क्या बनाया, गैमीट बनाया। अब गैमीट में होता क्या है मैम, गैमीट कैसे बनते हैं, गैमीट में जो पेयर ऑफ एलील होता है उसका सेग्रीगेशन होता है, इसीलिए तो बोल रहा है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। गैमीट फॉर्मेशन के दौरान क्या होता है, जो पेयर ऑफ एलील होती है, जो एक पर्टिकुलर एक्सप्रेशन या पर्टिकुलर कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, वो सेग्रीगेट होते हैं। ओके, तो यहाँ पर मैंने ये पेयर ऑफ एलील को सेग्रीगेट कर दिया, राइट। तो यहाँ पर क्या हो गया, कैपिटल टी, कैपिटल टी। वहीं पर मुझे इनको भी करना पड़ेगा, इनके साथ पार्शलिटी तो मैं कर नहीं सकती, तो यहाँ पर भी क्या होगा, स्मॉल टी, स्मॉल टी। अब आप देखिए यहाँ पर ये जो पेरेंट नंबर 1 थे, क्या थे, पेरेंट नंबर 1 जो है, इनके जो गैमीट बने क्या वो सेम टाइप का बना, कैपिटल टी एंड कैपिटल टी। और यहाँ पर जो पेरेंट नंबर 2 है उनके भी गैमीट सेम टाइप के बने, स्मॉल टी एलील है उसमें। तो क्या मैं ये बोल दूँ कि दोनों सेम टाइप का है तो हम एक को देख लेते हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक बनेगा, बहुत सारे बनेंगे, बट मैं एक को देख लूं कोई दिक्कत तो नहीं, क्योंकि यहाँ पर सेम है, एलील सेम है, इसलिए बोल रही हूँ। चलिए, तो अब क्या करना है, नेक्स्ट प्रोसेस क्या है? नेक्स्ट प्रोसेस है फ्यूजन ऑफ गैमीट। क्या है? फ्यूजन ऑफ गैमीट, जिसे हम सिनगैमी कहते हैं, राइट? क्या कहते हैं? सिनगैमी। ओके, अब सिनगैमी हो गया तो क्या बनेगा? जाइगोट बनेगा। क्या बनेगा? जाइगोट। तो एक एलील जो है पैरेंट नंबर 1 से आ रही है और दूसरी एलील पैरेंट नंबर 2 से आ रही है, तो जो जाइगोट बनेगा उसमें दोनों एलील प्रेजेंट होगी, पैरेंट नंबर 1 की भी और पैरेंट नंबर 2 की भी। तो देखिए यहाँ पर क्या आया? कैपिटल टी आया। यहाँ पर क्या आया? स्मॉल टी आया। तो ये जो बनी ये क्या हो जाएगी आपकी? फर्स्ट, ये क्या है? फर्स्ट फीलियल जनरेशन। ये क्या है? फर्स्ट फीलियल जनरेशन, या मैं F1 जनरेशन बोल दूं? क्या बोल दूं? F1 जनरेशन। ओके, तो यहाँ पर क्या हो गई? ये F1 जनरेशन। अब F1 जनरेशन हुई और F1 जनरेशन में भी क्या है? पेयर ऑफ एलील है जो कि दोनों पेरेंट से आए, पेरेंट नंबर 1 से भी आए हैं और पेरेंट नंबर 2 से भी आए हैं। तो यहाँ पर जो पेयर ऑफ एलील है उसमें क्या है? पेरेंट नंबर 1 का एलील भी है, पेरेंट नंबर 2 का भी एलील है, बट यहाँ पर जो एक्सप्रेस कर पा रहा है वो एक ही एलील है। दो एलील है, दो में से सिर्फ एक ही एलील अपने आप को एक्सप्रेस कर पा रहा है। ओके, तो वो कौन सा एलील है? कैपिटल वाला। कौन है? कैपिटल टी। इसीलिए इसका जो फिनोटिपिक एक्सप्रेशन है वो क्या हो जाएगा? टॉल प्लांट। क्या हो जाएगा? टॉल प्लांट। ओके, इतना तो समझ में आ गया मैम, आगे बताइए। तो देखते हैं ना आगे भी, आगे भी देख लेते हैं क्या बोलना चाह रहे हैं ये। आधा अधूरा तो अपन को छोड़ेंगे ही नहीं। तो यहाँ पर क्या बन गई? F1 जनरेशन। अब F1 जनरेशन भी तो क्या फॉर्म करेगी? गैमीट बनाएगी कि नहीं बनाएगी? चलिए, तो इनका गैमीट बना देते हैं। अब F1 जनरेशन को हमें क्या करना है? F1 जनरेशन से क्रॉस कराना है, और सेम में क्रॉस करा रहा है, इसको हम क्या बोलेंगे? सेल्फिंग। क्या बोलेंगे? सेल्फिंग। क्रॉस नहीं हो रहा है यहाँ पर, दो क्रॉस का मतलब क्या होता है? अलग अलग को करा रहे हैं हम। यहाँ पर हम सेम में करा रहे हैं, तो हम क्या करा रहे हैं? सेल्फिंग। क्या करा रहे हैं? सेल्फिंग। तो F1 जनरेशन से F1 जनरेशन की हम क्या करा रहे हैं? सेल्फिंग करा रहे हैं। क्या करा रहे हैं? सेल्फिंग। तो मैं सेल्फिंग करा देती हूँ, ये हो गई सेल्फिंग। अब सेल्फिंग कराने से पहले इस F1 जनरेशन में क्या बनेंगे? गैमीट बनेंगे। क्या बनेंगे? गैमीट। तो देखिए यहाँ पर जो गैमीट बनेंगे ये दो प्रकार के बनेंगे, एक बनेगा कैपिटल टी, एक बनेगा स्मॉल टी। यहाँ पर भी एक बनेगा कैपिटल टी और एक बनेगा स्मॉल टी। अब हमें क्या कराना है? इन गैमीट का क्या कराना है? बताइए, इन गैमीट का क्या कराना है? फ्यूजन। तो ये क्या है? गैमीट ऑफ F1 जनरेशन। ओके, चलिए, तो देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है? मैं पुनेट स्क्वायर बना लूं क्या? कोई दिक्कत तो नहीं होगी? कोई परेशानी तो नहीं होगी? किसी को पेट में दर्द तो नहीं होगा? चलिए, तो यहाँ पर मैं क्या बना लेती हूँ? यहाँ पर मैं बना लेती हूँ पुनेट स्क्वायर, क्योंकि उसको समझाना इजी हो जाता है आपके लिए, है ना? तो यहाँ पर हम बनाते हैं पुनेट स्क्वायर। तो पुनेट स्क्वायर कैसे बनाते हैं जरा बताइए मुझे। क्या मैंने आपको सिखाया पुनेट स्क्वायर बनाना? कौन बोल रहा है नहीं? चलो, तो पुनेट स्क्वायर बनाना सिखाया है हमने। क्या बोला था? हमें टॉप और जो लेफ्ट साइड है वहां पर क्या लिखना है? गैमीट लिखना है। तो पहले, सबसे पहले वो फॉलो कर लेते हैं। तो टॉप पर गैमीट लिख लेते हैं, एक है कैपिटल टी, एक पेरेंट का जो गैमीट है कैपिटल टी और स्मॉल टी। दूसरा, लेफ्ट साइड हमें क्या लिखना है? दूसरे पेरेंट के गैमीट, जो कि कैपिटल टी स्मॉल टी ही है। चलिए, अब हमें क्या कराना है? यहाँ पर इन गैमीट का फ्यूजन कराना है। तो देखिए, टॉप वाले और लेफ्ट साइड वाले को देखिए, तो यहाँ पर इस पहले बॉक्स में क्या मिल रहा है आपको? दो कैपिटल टी, फिर इस कैपिटल टी का स्मॉल टी के साथ कराइए, तो यहाँ पर क्या मिलेगा? कैपिटल टी स्मॉल टी। फिर यहाँ देखिए, कैपिटल टी स्मॉल टी और यहाँ पर आपको मिलेंगे दो स्मॉल टी। क्या जादू देखा आपने? क्या कोई जादू देखा आपने? F1 जनरेशन में क्या देखा था कि भाई कैपिटल टी स्मॉल टी दोनों आ रहे थे, है ना, दोनों आ रहे थे, बट एक्सप्रेस एक ही कर पा रहा था, कौन सा? डोमिनेंट वन, है ना, जो डोमिनेंट एलील होता है वही अपने आप को एक्सप्रेस कर पाता है हेट्रोजाइगस कंडीशन में। बट यहाँ पर F2 जनरेशन में क्या हो रहा है? रेसेसिव एलील का होमोजाइगस कंडीशन बन रही है, इसीलिए रेसेसिव पेरेंट अपने आप को F2 जनरेशन में क्या कर पाता है? एक्सप्रेस कर पाता है। ओके, चलिए, तो यहाँ पर आपको क्या मिल गया? दूसरे पेरेंट का भी क्या मिल गया? एक्सप्रेशन मिल गया। ठीक है, ये क्या हो जाएंगे? पेरेंट टू एक्सप्रेशन, जिसे हम फिनोटिपिक एक्सप्रेशन कहते हैं, और ये हो गया पेरेंट वन के एक्सप्रेशन। तो यहाँ पर आपको F2 में क्या मिलेंगे? तीन। अगर मैं फिनोटाइप की बात करूं तो मैंने कौन सी सेकेंड प्रोजेनी बनाई और उस सेकेंड प्रोजेनी से चार प्लांट आए, है ना। अब ये चार प्लांट में से मैं सिर्फ आपको देखने को बोल रही हूँ, तो मैं बताऊँ, आपसे पूछूंगी कि इनमें बताइए मुझे क्या डिफरेंस है, तो आप बोलेंगे तीन प्लांट टॉल है और एक डॉफ है। ये तो आपने देखकर बताया कि तीन प्लांट टॉल है और एक डॉफ है, आपने भी इतना दिमाग नहीं चलाया कि यार एलील कौन सा है, हेट्रोजाइगस कंडीशन है, होमोजाइगस कंडीशन है, कुछ नहीं, सिर्फ आपको देखकर बताना था। तो आपने बता दिया कि हाँ तीन टॉल प्लांट दिख रहे हैं और एक डॉफ प्लांट दिख रहा है ना, एक छोटू सा दिख रहा है, तीन बड़े बड़े दिख रहे हैं। तो यहाँ पर आपको फिनोटाइप दिख गया, फिनोटाइप तो दिख गया, क्या दिखा? 3:1 का, 3:1 का मतलब तीन जो है वो टॉल है और एक डॉफ है, राइट। अब मैं बोलूंगी रुकिए रुकिए, आप मुझे ये बताइए इन तीन टॉल प्लांट्स में से होमोजाइगस टॉल कौन है और हेट्रोजाइगस टॉल कौन है? तो आपने बोला रुकिए, ऐसे तो मैं बता नहीं सकता, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा भाई? हमें ज़रा इसकी क्या करनी पड़ेगी? स्टडी करनी पड़ेगी, इसके जीनोटाइप के बारे में सोचना पड़ेगा। और उसके लिए हम क्या करते हैं? टेस्ट क्रॉस करते हैं। एक अननोन लिया, उसका हमने उसके रेसेसिव पेरेंट से क्या करा दिया? क्रॉसिंग करा दी, जिसे हम टेस्ट क्रॉस कहते हैं। और टेस्ट क्रॉस में आपको पता चल जाता है कि जो अननोन पर्सन है या जो अननोन प्लांट है, ये जो कैरेक्टर है वो किसकी वजह से शो हो रहा है, रेसेसिव जो है वो एक्सप्रेस कर पा रहा है या नहीं, मतलब हेट्रोजाइगस कंडीशन है, या दोनों जो है एलील जो है वो डोमिनेंट वन है ना। तो वहाँ से हमें पता चल जाएगा कि ये जो टॉल प्लांट है ये होमोजाइगस टॉल है या हेट्रोजाइगस टॉल है। ओके, चलिए, तो हम इस स्टडी को क्या बोलते हैं? जीनोटाइप। तो आपने जब जीनोटाइप के बारे में देखा यहाँ पर, तो आपने बोला हाँ तीन टॉल तो थे, वो तो उनका एक्सप्रेशन था, बट यहाँ पर क्या देखने को मिला आपको? एक होमोजाइगस टॉल देखने को मिला, दो हेट्रोजाइगस टॉल देखने को मिले, और एक क्या मिला? होमोजाइगस रेसेसिव। उसमें होमोजाइगस अगर शब्द यूज़ कर रहे हैं तो कोई बहुत बड़ा हमने अचीवमेंट नहीं किया, क्योंकि होमोजाइगस जो है रेसेसिव जो कैरेक्टर है वो होमोजाइगस कंडीशन में ही अपने आप को एक्सप्रेस कर पाता है। ओके, चलिए, तो यहाँ पर एक जो है ये टॉल मिल रहा है जो कि क्या है? होमोजाइगस। दो टॉल मिल रहे हैं जो कि क्या है? हेट्रोजाइगस। और एक क्या मिल रहा है? रेसेसिव। क्या आपको यहाँ पर किसी भी प्रकार की ब्लेंडिंग देखने को मिली? कोई मिक्सिंग देखने को मिली? नहीं, बस ये हो रहा था कि F1 जनरेशन में जो रेसेसिव एलील था वो अपने एक्सप्रेशन को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा था। क्यों नहीं कर पा रहा था? क्योंकि उसके सामने कौन बैठा है? डोमिनेंट एलील बैठा है। अब डोमिनेंट के सामने रेसेसिव की कोई चल सकती है क्या? चल सकती है क्या? बताइए, नहीं ना। तो बेचारा होकर भी अपने अस्तित्व को क्या कर दिया? उसने खो दिया। जैसे कि मैं आपसे बात करती हूँ बार बार कि हम क्या कर रहे हैं, एक क्लास है, उस क्लास में, चलिए मैं पढ़ा रही हूँ, अपन एग्जाम्पल ले लेते हैं, मैं पढ़ा रही हूँ और आप लोग बैठे हैं। ओके, अब क्या कर रही हूँ मैं? क्या कर रही हूँ? बोल पा रही हूँ, है ना, और आप लोग शांत बैठे हैं। तो यहाँ पर क्या है? मैं अपने एक्सप्रेशन को एक्सप्रेस कर पा रही हूँ, क्योंकि मैं डोमिनेंट एलील हो गई और आप रेसेसिव एलील हो गए। और ये जो कंडीशन बनी, ये कैसी बनी? हेट्रोजाइगस कंडीशन। यहाँ पर एक एलील जो है वो डोमिनेंट है और दूसरा रेसेसिव एलील है। और डोमिनेंट के प्रेजेंस में रेसेसिव अलील अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा, मतलब अभी आप बातचीत नहीं कर पा रहे आपस में, है ना, आपका पूरा फोकस मेरे ऊपर है। ओके, फिर मैं यहाँ से चली गई, मैंने क्लासरूम छोड़ दिया, अब बचे कौन, आप ही आप, है ना, सेम एलील बचे, कैसे, रेसेसिव एलील बचे। अब मेरी एब्सेंस में आप अपने एक्सप्रेशन को क्या कर पा रहे हैं, एक्सप्रेस कर पा रहे हैं, तो आप क्या हो गए, रेसेसिव वन। तो यहाँ पर भी तो वही हुआ कि हेट्रोजाइगस कंडीशन में जो रेसेसिव एलील है वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा और होमोजाइगस कंडीशन में एक्सप्रेस कर पा रहा है। तो जो कैरेक्टर आपको F1 जनरेशन में देखने को नहीं मिल रहे थे रेसेसिव एलील के, वो क्या हो गए, वो कैरेक्टर वापस आ गए किसमें, F2 जनरेशन में। ओके चलिए, तो अब थोड़ा सा ये अपन लिखा हुआ वो भी थोड़ा पढ़ लेते हैं, क्या बोल रहे हैं। ये तो हो गया था हमारा, इसका स्क्रीनशॉट ले लिया क्या आपने, आगे बढ़े। चलिए, तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में हम देखते हैं क्या बोल रहे हैं, दो द पेरेंट्स कंटेन टू एलील्स, है ना, हर एक पेरेंट के पास दो एलील होते हैं। ड्यूरिंग गैमीट फॉर्मेशन, जब गैमेटोजेनेसिस होती है, गैमीट का फॉर्मेशन होते हैं, द फैक्टर्स और एलील्स ऑफ अ पेयर सेग्रीगेट फ्रॉम ईच अदर। ठीक है, तो फैक्टर्स का मतलब क्या होता है, जीन होता है ना, मेंडल ने जीन को क्या बोला था, फैक्टर बोला था। ओके, ये क्या बोल रहे हैं कि गैमीट फॉर्मेशन के दौरान पर फैक्टर और जीन जो है वो एक दूसरे से क्या हो जाते हैं, सेग्रीगेट हो जाते हैं। ठीक है, ईच अदर सच दैट अ गैमीट रिसीव ओनली वन ऑफ द टू फैक्टर। तो यहाँ पर जो गैमीट है वो एक ही फैक्टर को क्या करेगा, रिसीव करेगा दो में से। फिर नेक्स्ट पॉइंट बोल रहा है, ऑफ कोर्स अ होमोजाइगस पेरेंट प्रोड्यूसेस ऑल गैमीट दैट आर सिमिलर, है ना, हमने होमोजाइगस पेरेंट्स बनाए थे, तो होमोजाइगस पेरेंट में क्या हो रहे थे, जितने के जितने गैमीट बन रहे थे वो सेम बन रहे थे, सिमिलर बन रहे थे, सारे कैपिटल टी बन रहे थे। ओके, ये बात समझ में आ गई हमें, किसी को कोई परेशानी क्या, दैट आर सिमिलर वाइल अ हेट्रोजाइगस, हेट्रोजाइगस मतलब एक कैपिटल टी है और एक स्मॉल टी है, इस कंडीशन में क्या होगा, एक जो गैमीट बनेगा वो कैसा बनेगा, कैपिटल टी एलील वाला, और दूसरा बनेगा स्मॉल टी एलील वाला, जो कि डिसिमिलर होंगे, जो कि कैसे होंगे, डिसिमिलर होंगे। ओके, बट कैसे बनेंगे, इक्वल प्रपोर्शन में बनेंगे, किसमें बनेंगे, इक्वल प्रपोर्शन में। इतना क्लियर हुआ, तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। अब देखिए क्या बात बोल रहे हैं, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन के अंदर हम पढ़ते हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस, क्या पढ़ते हैं, इनकम्प्लीट डोमिनेंस। तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस क्या बोल रहा है आपको देख लेते हैं जरा। वैसे मैंने ये इनकम्प्लीट डोमिनेंस जो है आपको, जब मैंने डोमिनेंस पढ़ाया था, है ना, मेंडल का फर्स्ट लॉ डोमिनेंस, वहाँ पर मैंने एक्सेप्शन के तौर पर जो इनकम्प्लीट डोमिनेंस है वो एक्सप्लेन कर दिया था कि इनकम्प्लीट डोमिनेंस क्या होता है। इनकम्प्लीट डोमिनेंस जो है वो लॉ ऑफ डोमिनेंस को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रही है, जो डोमिनेंट एलील है वो अपने आप को पूरे कम्प्लीटली हेट्रोजाइगस कंडीशन में एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है। तो हमने बोला था कि लॉ ऑफ डोमिनेंस जो है वो फेल हो गया, कहाँ पर, इनकम्प्लीट डोमिनेंस में, और कहाँ पर हुआ था, को डोमिनेंस में, है ना। चलिए, तो यहाँ पर थोड़ा सा हम अच्छे से देख लेते हैं, डिटेल स्टडी कर लेते हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस की। व्हेन एक्सपेरिमेंट्स ऑन पीस वर रिपीटेड यूजिंग अदर traits in other plant, it was found that sometimes the F1 had phenotype that did not resemble either of the two parents and was in between the two. भाई बहुत इंग्लिश हो गई, है ना, अपन तो चलते हैं एक्सपेरिमेंट की तरफ, है ना। मेंडल ने एक्सपेरिमेंट किया तो हम भी एक्सपेरिमेंट करेंगे, हम क्यों छोड़ें, हम पढ़ पढ़ के तो नहीं छोड़ेंगे कुछ भी। तो उसको जल्दी से पहले स्क्रीनशॉट ले लो, तो मैं फिर समझाती हूँ इनकम्प्लीट डोमिनेंस। चलिए, इतना भारी भरकम नहीं बनाते सब्जेक्ट को, थोड़ा इजी इजी खेलते हैं। तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस, चलिए, क्या आपको स्नैपड्रैगन याद है, क्या आपको 7 o'clock याद है, क्या आपको गुलेवान याद है, क्या आपको एंटीराइनम याद है, कुछ याद है? ये जो है इसमें क्या देखने को मिलता है, जल्दी बताइए। इसमें आपको देखने को मिलता है इनकम्प्लीट डोमिनेंस। तो ये देखिए, ये आपको जो दिख रहा है ना, ये क्या है, स्नैपड्रैगन। क्या है स्नैपड्रैगन? ये आपने देखा है कभी फ्लावर? तो इसमें क्या देखने को मिलता है आपको इनकम्प्लीट डोमिनेंस। इसे डॉग फ्लावर भी कहते हैं, इसे एंटीराइनम भी कहते हैं, इसे 4 o'clock फ्लावर भी कहते हैं, इसे गुलेबान भी कहते हैं। ओके चलिए, तो यहीं पर हम देखते हैं इनके अंदर हम इनकम्प्लीट डोमिनेंस को पढ़ेंगे। चलिए, तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस में हम सबसे पहले लेते हैं पेरेंट को। अब पेरेंट को लिया तो एक पेरेंट जो हो गए उसमें क्या थे, डोमिनेंट कैरेक्टर थे, ठीक है। और ये जो डोमिनेंट कैरेक्टर एक्सप्रेस हो रहे हैं वो प्योर कंडीशन में हो रहे हैं। तो यहाँ पर थे जैसे कि रेड, मैंने कैरेक्टर क्या लिया, फ्लावर कलर, कैरेक्टर क्या लिया, फ्लावर कलर। ओके, तो कैरेक्टर है हमारा फ्लावर कलर और जो डोमिनेंट कैरेक्टर है फ्लावर कलर का वो है रेड। क्या है, रेड। ये हो गया रेड। तो इसके एलील कैसे होंगे, कैपिटल आर कैपिटल आर, क्योंकि प्योर रेड है ये। तो ये इसके जो एलील है वो कैसे हो गया, कैपिटल आर कैपिटल आर। और ये जो पेरेंट है ये कैसी कंडीशन में है, प्योर कंडीशन में। वहीं पर दूसरे जो पेरेंट है वो कैसे है, रेसेसिव वन, ठीक है, कैसे है, रेसेसिव वन। और वो कैसा है, वाइट, उनका एक्सप्रेशन क्या है, वाइट। और इनके जो एलील है वो है स्मॉल आर स्मॉल आर, ठीक है। आप डब्ल्यू से भी दिखा सकते हैं, बट मैं यहाँ पर अलग अलग अल्फ़ाबेट्स यूज़ नहीं कर रही हूँ, मैं सेम अल्फ़ाबेट यूज़ करूँगी, क्योंकि हम जब डोमिनेंट और रेसेसिव एलील को शो करते हैं तो सेम अल्फ़ाबेट से यूज़ करते हैं। क्लियर है। चलिए, तो यहाँ पर हमने क्या किया, पहले बना लिया गैमीट। क्या बना लिया, गैमीट। तो यहाँ पर आपको गैमीट बनेगा तो कैसा बनेगा, कैपिटल आर। और यहाँ पर जो गैमीट बनेगा उसके अंदर जो एलील होगा वो स्मॉल आर होगा, राइट। चलिए, तो दो बनेंगे बट बनेंगे तो सेम टाइप के, तो इसलिए हम एक को देख रहे हैं। तो यहाँ पर ये हो गया गैमीट, किसका, पेरेंट का, किसका, पेरेंट का। अब इन गैमीट का हमें क्या कराना है, मिलन कराना है, मतलब फ्यूजन कराना है। क्या कराना है, फ्यूजन। तो यहाँ पर हो गया फ्यूजन ऑफ गैमीट, हो गया, जिसे हम और क्या कहते हैं, सिनगैमी। तो यहाँ पर दोनों एलील आ जाएंगे कि नहीं, जो पहली प्रोजेनी बनेगी उसमें दोनों एलील आएंगे, एक आएगा पेरेंट नंबर 1 से और दूसरा आएगा पेरेंट नंबर 2 से। आ गया मैम, यही आएगा ना, बिल्कुल जी हाँ सही है, यही आएगा। तो 50% जो कैरेक्टर है पेरेंट 1 से आए, 50% कैरेक्टर है वो पेरेंट 2 से आए। तो आपको जो यहाँ पर F1 जनरेशन दिख रहा है, प्रोजेनी, पहली प्रोजेनी जो दिख रही है वो कैसी दिख रही है, रेड वन और वाइट वन। जल्दी बताइए कौन सा दिखेगा, रेड या वाइट। मैम क्या बात कर रहे हो, रेड या वाइट क्यों दिखेगा, एक डोमिनेंट एलील रेड है और एक रेसेसिव एलील आर है, मतलब स्मॉल आर है। तो हमें तो क्या दिखना चाहिए, ये रेड कलर का दिखना चाहिए। क्यों, क्योंकि यहाँ पर एक डोमिनेंट एलील है और डोमिनेंट एलील अपने आप को हेट्रोजाइगस कंडीशन में एक्सप्रेस कर पाता है। तो यहाँ पर जो पहली जनरेशन बनेगी F1 प्रोजेनी होगी वो कैसी होगी, रेड कलर की। अरे भाई, यहीं पर तो मात खा गए, यहीं तो गलती कर दी, यही तो घुमा रही थी मैं। यहाँ पर रेड नहीं बनेगा, मैंने क्या बोला, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, मतलब यहाँ पर जो डोमिनेंट कैरेक्टर है या एलील है वो अपने आप को F1 जनरेशन में एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा। तो जल्दी बताइए कौन सा एक्सप्रेशन यहाँ पर, कौन सा फिनोटाइप एक्सप्रेस होगा, जल्दी जल्दी कमेंट करिए फटाफट। तो बताइए क्या आंसर है आपका, क्या आंसर है। यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है, रेड नहीं मिल रहा है आपको। यहाँ पर जितनी भी ये पहले जो प्रोजेनी है जिसके जितने भी इंडिविजुअल्स होंगे वो सारे के सारे कैसे होंगे, पिंक, कैसे होंगे, पिंक। आपने सोचा था रेड होंगे क्योंकि हेट्रोजाइगस कंडीशन में तो डोमिनेंट एलील अपने आप को एक्सप्रेस कर पाता है, बट यहाँ पर जो डोमिनेंट एलील है वो अपने आप को कम्प्लीटली एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है ना। अगर मैं आपसे बोलूँ कि रेड कलर है, रेड में आप व्हाइट मिलाते जाओ तो कौन सा कलर मिलेगा, बनेगा आपको पिंक मिलेगा, है ना। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, जो डोमिनेंट एलील है जो कि रेड है वो अपने आप को पहली जनरेशन में कम्प्लीटली एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा, इसीलिए इसको हमने क्या बोला है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस। इस लॉ को हमने क्या बोला है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, है ना। मतलब कम्प्लीटली एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा, बट हाँ कुछ कुछ एक्सप्रेशंस इसके आ रहे हैं, इसीलिए पहली जनरेशन जो है वो कैसी है, पिंक है। तो यहाँ पर जितने भी आपको फ्लावर मिलेंगे पहली जनरेशन में, फर्स्ट प्रोजेनी में, वो सारे के सारे पिंक होंगे, तो पहली जनरेशन आपको ऑल पिंक मिलेगी। क्लियर है, चलिए समझ में आ गया। अब पहली जनरेशन जो है वो क्या करेगी, सेल्फिंग करेगी, है ना, खुद ही के जैसे से। तो यहाँ पर हम सेल्फिंग करा देते हैं, बट सेल्फिंग कराने से पहले हमें क्या बनाने पड़ेंगे, गैमीट्स। क्या बनाने पड़ेंगे, गैमीट्स। तो क्या बड़ी बात है, गैमीट्स बना लेते हैं। यहाँ पर बनाते हैं हम गैमीट्स। तो यहाँ पर हमने दो टाइप के गैमीट्स बनाए, एक कैपिटल आर और एक स्मॉल आर। यहाँ पर भी दो टाइप के बनेंगे, एक कैपिटल आर और एक स्मॉल आर, ठीक है। तो ये बन गए आपके गैमीट। किसके गैमीट बने, फर्स्ट प्रोजेनी के। तो ये क्या हो गया, गैमीट्स ऑफ F1 जनरेशन, ये आपको मिल गए। चलिए, तो अब इनका क्या कराते हैं, हम फ्यूजन करा देते हैं। क्या करा देते हैं, फ्यूजन करा देते हैं। तो फ्यूजन देख लेते हैं कैसे होगा इनका और क्या बनेगा, फ्यूजन से क्या बनेगा वो भी देख लेते हैं। चलिए तो देखते हैं, पुनेट स्क्वायर बना लो, कोई दिक्कत तो नहीं, कोई परेशानी तो नहीं। यहाँ बना लेते हैं हम पुनेट स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, ब्रैकेट के अंदर ही क्या लिख देंगे, एक्सप्रेशन भी लिख देंगे। क्या लिख देंगे, एक्सप्रेशन भी हम ब्रैकेट के अंदर ही लिखेंगे। चलिए, तो हमने क्या देखा था पुनेट स्क्वायर में कि पहले हमें क्या करना है, टॉप, पुनेट स्क्वायर के टॉप पर हमें क्या लिखने, गैमीट लिखने। तो ये दो प्रकार के गैमीट है, तो लिख दूं, एक कैपिटल आर है और एक स्मॉल आर है। एक क्या है, कैपिटल आर है और एक स्मॉल आर है। तो यहाँ पर आ गया कैपिटल आर और यहाँ पर आ गया स्मॉल आर। यहाँ पर भी आएंगे गैमीट, लेफ्ट साइड एक कैपिटल आर और दूसरा स्मॉल आर। अब हम क्या कराते हैं, इनका मिलन कराते हैं। तो यहाँ पर जब मिलन कराएंगे तो यहाँ पर दो कैपिटल आर आएंगे, एक ये और एक ये। अब यहाँ पर देखिए इस बॉक्स में, बॉक्स नंबर 2 में एक कैपिटल आर आएगा और एक स्मॉल आर आएगा। तो यहाँ पर जो आपको एलील मिलेगा, पेयर ऑफ एलील मिलेगा, उसमें एक कैपिटल आर होगा और एक स्मॉल आर होगा। यहाँ पर एक स्मॉल आर और एक कैपिटल आर, बट मैंने आपसे क्या बोला था, पहले हमें कैपिटल अल्फ़ाबेट लिखना है। क्या लिखना है, कैपिटल अल्फ़ाबेट। तो यहाँ पर एक कैपिटल आर आएगा और एक स्मॉल आर आएगा। फिर यहाँ पर हम देखते हैं दो स्मॉल आर आएंगे, क्योंकि यहाँ पर एक स्मॉल आर है और एक यहाँ पर स्मॉल आर है। तो आपको जो 4th नंबर का जो बॉक्स है उसमें दोनों के दोनों एलील्स जो हैं वो कैसे मिलेंगे, स्मॉल आर स्मॉल आर। अब देखिए हम इनका फिनोटाइप देख लेते हैं। अब फिनोटाइप की अगर हम बात करें तो यहाँ पर दोनों कैपिटल आर है, तो इसका फिनोटाइप होगा रेड, ठीक है। यहाँ पर एक कैपिटल आर है, एक स्मॉल आर है, बट यहाँ पर जो कैपिटल आर है या डोमिनेंट एलील है वो अपने आप को 100% एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा, इसलिए यहाँ पर जो एक्सप्रेशन आएगा वो आएगा पिंक। क्या आएगा, पिंक। एज इट इज़ यहाँ पर आएगा तो यहाँ पर भी पिंक दिखेगा आपको, बट यहाँ पर कैसा दिखेगा, वाइट फ्लावर। कैसा दिखेगा, वाइट फ्लावर, ओके। क्यों, क्योंकि यहाँ पर आपको जो आर मिल रहे हैं, जो एलील मिल रहे हैं, दोनों रिसेसिव मिल रहे हैं, मतलब होमोजाइगस कंडीशन मिल रही है। और होमोजाइगस कंडीशन में जो रिसेसिव एलील होता है वो अपने आप को एक्सप्रेस कर पाता है, राइट। चलिए, तो हमने क्या देखा था कि F2 जनरेशन जो बनती है, जो F2 जनरेशन प्रोड्यूस होती है, उसका फिनोटाइप और जीनोटाइप हमने देख लिया था किसमें, डोमिनेंट में या मोनोहाइब्रिड क्रॉस में। फिनोटाइप आया था 3:1 जिसमें 3 टॉल प्लांट थे और 1 ड्वार्फ प्लांट था, और जीनोटाइप था 1:2:1 जिसमें 1 था होमोजाइगस टॉल और 2 थे हेट्रोजाइगस टॉल और 1 था रेसेसिव 1 दैट इज ड्वार्फ। ओके, तो यहाँ पर आपको जो F2 जनरेशन मिल रही है, इसका अगर हम फिनोटाइप और जीनोटाइप की बात करें तो यहाँ पर जो फिनोटाइप मिलेगा आपको वो कैसा मिलेगा, वन इज टू, टू इज टू वन, राइट। इसमें जो 1 है वो क्या होगा, रेड होगा। क्या होगा, रेड इज टू पिंक इज टू वाइट, यही बोलना चाह रहे थे ना ये। और अगर हम इसकी जीनोटाइप की बात करें तो जीनोटाइप भी सेम होगा किसके जैसे, फिनोटाइप के जैसे। तो इसका जीनोटाइप क्या होगा, 1:2:1, 1:2:1। तो हम एलील्स लिख देते हैं, कौन कौन से एलील होंगे यहाँ पर। यहाँ पर जो एलील होगा वो होगा पहला कैपिटल आर इज टू कैपिटल आर स्मॉल आर इज टू स्मॉल आर स्मॉल आर। ओके, यही है क्या। तो यहाँ पर देखिए इनकम्प्लीट डोमिनेंस में फिनोटाइप और जीनोटाइप जो है वो कैसा है, सेम है। कैसा है, सेम। हमने देखा था मोनोहाइब्रिड क्रॉस में जो फिनोटाइप था वो 3:1 था और जीनोटाइप क्या था, 1:2:1 था। बट यहाँ पर हमने क्या देखा, इनकम्प्लीट डोमिनेंस में फिनोटाइप और जीनोटाइप का जो रेशियो है वो एज इट इज है, सेम है बिल्कुल, है ना। तो फिनोटाइप 1:2:1 है और जीनोटाइप भी 1:2:1 है। ओके, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, F1 जनरेशन में यहाँ पर आपको डोमिनेंट एलील का एक्सप्रेशन 100% नहीं मिल रहा, इसलिए इसको हमने क्या बोला, इनकम्प्लीट डोमिनेंस। ओके, चलिए, तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस जो है लॉ ऑफ डोमिनेंस का क्या है, एक्सेप्शन है, इसीलिए हम बोलते हैं लॉ ऑफ डोमिनेंस हर जगह एप्लीकेबल नहीं हो पाता, राइट। चलिए, तो आगे बढ़े तो देखिए क्या बोल रही है कि दो पेरेंट है। व्हेन एक्सपेरिमेंट ऑन पीस वर रिपीटेड यूजिंग अदर ट्रेट इन अदर प्लांट्स इट वाज फाउंड दैट समटाइम्स द F1 हैड अ फिनोटाइप दैट डिड नॉट रिजेंबल आइदर ऑफ टू पेरेंट्स। ठीक है, तो इन्होंने बोला कि जो F1 जनरेशन आती है उसका जो फिनोटाइप है, उसका जो एक्सप्रेशन है, ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर है, वो ना तो F1 मतलब जो आपके पहले पेरेंट है जो कि रेड कलर के थे ना उनसे मैच हो रहा है, ना दूसरे पेरेंट थे जो कि वाइट थे उनसे मैच हो रहा है। ये अलग ही कैरेक्टर को एक्सप्रेस कर रहे हैं। ओके, फिर इन्होंने क्या बोला कि टू पेरेंट्स एंड वाज इन बिटवीन द टू, और इनका जो कैरेक्टर है या ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर है वो दोनों पेरेंट के बीच का कैरेक्टर है ना। तो रेड और वाइट का मिक्सिंग से जो कैरेक्टर एक्सप्रेस हो रहे हैं, ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर दिखने को मिल रहे हैं, जो कि पिंक है वो यहाँ पर शो हो रहा है। चलिए और देखते हैं, द इनहेरिटेंस ऑफ फ्लावर कलर इन द डॉग फ्लावर स्नैपड्रैगन और एंटीराइनम स्पीसीज इज अ गुड एग्जाम्पल टू अंडरस्टैंड इनकम्प्लीट डोमिनेंस। तो हमने इनकम्प्लीट डोमिनेंस को किस में देखा, जल्दी बताइए। हमने देखा इसे डॉग फ्लावर में या स्नैपड्रैगन में या एंटीराइनम, ये एक ही है। ठीक है, चलिए, इन अ क्रॉस बिटवीन ट्रू ब्रीडिंग रेड फ्लावर्ड कैपिटल आर एंड अ ट्रू ब्रीडिंग वाइट फ्लावर स्मॉल आर द फर्स्ट जनरेशन दैट इज कैपिटल आर स्मॉल आर वॉज पिंक। तो यहाँ ट्रू ब्रीडिंग का मतलब क्या है, ट्रू ब्रीडिंग का मतलब है यहाँ पर जो एलील का पेयर है वो कैसा है, होमोजाइगस कंडीशन में। क्लियर है, मतलब यहाँ पर प्योर रेड मतलब कैपिटल आर और प्योर वाइट आपको देखने को मिलेगा। क्या मिलेगा, प्योर वाइट। ओके, चलिए, तो जो F1 जनरेशन आ रही है उसमें जितने भी इंडिविजुअल्स हैं वो सारे के सारे कैसे हैं, पिंक है, और जो पिंक कैरेक्टर है वो दोनों पेरेंट का क्या है, इन बिटवीन का कैरेक्टर है, राइट। चलिए, तो ये आपके एनसीईआरटी में डायग्राम दिया हुआ है, ये किसकी इमेज है, स्नैपड्रैगन की या एंटीराइनम स्पीसीज की या स्नैपड्रैगन की या डॉग फ्लावर की। चलिए, वेन द F1 वॉज सेल्फ पॉलिनेटेड, अब हम F1 को F1 के साथ क्या करा रहे हैं, पॉलिनेट करा रहे हैं, इसे हम सेल्फ पॉलिनेशन कहते हैं। The F2 resulted in the following ratio, अब जो F2 का रेशियो आएगा, जो उसकी प्रोजेनी आएगी, उसमें जो रिजल्ट देखने को मिल रहा है, उसमें एक तो आपको रेड कलर का फ्लावर देखने को मिल रहे हैं, दो पिंक कलर के मिल रहे हैं और एक वाइट कलर का मिल रहा है, ठीक है। तो उसका जो फिनोटिपिक एक्सप्रेशन है वो क्या हो जाएगा, रेड, पिंक, वाइट। अब रेड कितने मिल रहे हैं, एक मिल रहा है, पिंक कितने मिल रहे हैं, दो मिल रहा है, वाइट कितना मिल रहा है, एक मिल रहा है, ठीक है। तो अगर मैं आपसे पूछती हूँ कि अगर आप मुझे बताइए, मैं पूछती हूँ चार आपको क्या मिले, इंडिविजुअल मिले F2 जनरेशन में, राइट। अब मुझे ये बताइए इसमें से रेड फ्लावर का रेशियो क्या है, तो आप क्या बोलोगे, 1:4, क्या बोलोगे, है ना, 1:4। चलो, 1/4 आपको क्या मिल जाएंगे, रेड, 1/2 क्या मिल जाएंगे, वाइट। मैम 1/2 कैसे मिलेंगे, 2 पिंक है और 4, 4 में से 2 पिंक है, तो उसका हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो 1/2 इसका जो है वो क्या आ जाएगा, रेशियो, ओके। वहीं पर हम वाइट की बात करें तो 4 में से 1 वाइट है, तो 1/4 जो है वो क्या हो जाएंगे, वाइट फ्लावर, क्या हो जाएंगे, वाइट फ्लावर। मतलब 4 फ्लावर में से 1 फ्लावर ही क्या है, वाइट है। यहाँ पर 4 फ्लावर में से 2 फ्लावर क्या है, पिंक है। यहाँ पर 4 फ्लावर में से 1 फ्लावर जो है वो क्या है, रेड है। तो ये क्या निकल गया, रेशियो निकल गया, ओके। चलिए, तो देखिए, हियर द जीनोटाइप रेशियो वर एग्जैक्टली एज वी वुड एक्सपेक्ट इन एनी मेंडेलियन मोनोहाइब्रिड क्रॉस। तो हमने मोनोहाइब्रिड क्रॉस में जीनोटाइप क्या निकाला था, 1:2:1। तो यहाँ पर इन्होंने क्या बोला, जीनोटाइप एज इट इज रहेगा, जीनोटाइप 1:2:1 ही रहेगा। जैसे कि हमने मेंडेलियन जो कैरेक्टर्स देखे थे, मेंडेलियन जो मोनोहाइब्रिड क्रॉस देखा था, उसमें आपको जो रेशियो मिल रहा था जीनोटाइप का, 1:2:1 ही मिल रहा था। तो यहाँ पर भी वही देखने को मिलेगा। फिर इन्होंने क्या बोला, बट द फिनोटाइप रेशियो हैड चेंज्ड फ्रॉम द 3:1 डोमिनेंट टू रिसेसिव 1। हमने देखा था कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस में जो फिनोटाइपिक रेशियो था वो 3:1 था, राइट। हमने यहाँ पर देखा भी ना कि भाई मैंने क्या बोला था कि फिनोटाइपिक रेशियो वहाँ पर 3:1 मिलता था, बट यहाँ पर क्या मिल रहा है, 1:2:1। तो इन्होंने क्या बोला है, यहाँ पर जो रेशियो है, फिनोटाइप का रेशियो है, वो चेंज हो गया। What happened was that R, capital R, was not completely dominant over small r। मैंने यही बोला था कि F1 जनरेशन में क्या होता है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस में क्या होता है, जो कैपिटल एलील होता है या डोमिनेंट एलील होता है, वो कम्प्लीटली क्या नहीं कर पाता, अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाता है। And this made it possible to distinguish capital R small r as pink from capital R red and small r white, राइट चलिए, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए, व्हाट एग्जैक्टली इज डोमिनेंस। डोमिनेंस का मतलब क्या है, जल्दी बताइए। डोमिनेंस का मतलब ये है कि किसी डिफरेंट एलील के प्रेजेंस में भी जो एलील अपने आप को कम्प्लीटली, मैंने क्या बोला, कम्प्लीटली एक्सप्रेस कर पाता है, उस एलील को हम क्या बोलते हैं, डोमिनेंट एलील। क्लियर है। वाई आर सम एलील्स डोमिनेंट एंड सम रेसेसिव, ठीक है, क्यों कोई डोमिनेंट है, कोई रेसेसिव है। तो भाई सीधी सिंपल सी बात है, इस दुनिया में जो अपने आप को एक्सप्रेस कर पा रहा है, जो अपनी बात रख पा रहा है, वो डोमिनेंट है, राइट ना। तो यहाँ पर भी क्या कर पा रहा है, डोमिनेंट एलील जो है अपने एक्सप्रेशन को एक्सप्रेस कर पा रहा है, इसलिए वो डोमिनेंट है, वो अपने एक्सप्रेशन शो कर पा रहा है, इसलिए वो डोमिनेंट है। जो नहीं कर पा रहा, अकेले में तो कोई भी अपने एक्सप्रेशंस एक्सप्रेस कर पाता है, किसी के सामने कर पा रहा है या नहीं, तो वो डिसाइड करता है कि कौन डोमिनेंट है, कौन रेसेसिव है, राइट तो यहाँ पर जो दूसरे की प्रेजेंस में अपने आप को एक्सप्रेस कर पा रहा है वो डोमिनेंट है, जो नहीं कर पा रहा वो रेसेसिव है। चलिए, To tackle these questions, we must understand what a gene does. तो इस बहुत टेक्निकल शब्द को जो कि डोमिनेंस को दर्शा रहा है, इसे हमें सॉल्व करने के लिए हमें क्या अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि जीन क्या होता है और इसका फंक्शन क्या होता है. चलिए, तो जीन जो होता है वो क्या है? सेगमेंट ऑफ डीएनए है. क्या है? सेगमेंट ऑफ डीएनए है जो कि पर्टिकुलर कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, राइट? तो इस जीन की वजह से ही जो कैरेक्टर आपको एक्सप्रेस हो पा रहा है, क्यों? क्योंकि इस जीन ने वो कैरेक्टर के लिए जो भी इंफॉर्मेशन लगती है वो सारी कैरी करके रखी है, और यही जीन जो है कैरी फॉरवर्ड होता है सक्सेसिव जनरेशन में. इसलिए जो कैरेक्टर्स है वो आपको हर एक जनरेशन में शो होते हैं, राइट? जैसे कि अगर मैं अपनी बात करूं तो मेरी हाइट, मेरा कलर कॉम्प्लेक्शन, मेरी आइज़ का कलर, मेरी जो हेयर की डेंसिटी है, हेयर का जो टेक्सचर है, हर एक जो कैरेक्टर है मेरी बॉडी का, उसके लिए एक जीन रिस्पॉन्सिबल है. और ये जीन मुझ में कहाँ से आया? मेरे पेरेंट्स से आया, मेरी मदर से आया, मेरे फादर से आया. तो वही जो जीन है वो इनहेरिट हो गए मुझ में. इसको हम इनहेरिटेंस बोलते हैं, राइट? तो यहाँ पर इनहेरिट हुए. अब वो जीन दो जो आए मेरे पास, उन दोनों जीन में से जो डोमिनेंट जीन है वो अब मेरे ऊपर एक्सप्रेस कर पा रहा है, मेरी बॉडी में एक्सप्रेस कर पा रहा है, तो वो कैरेक्टर आपको शो हो रहा है, राइट? तो एवरी जीन एज यू नो बाय नाउ कंटेन्स द इंफॉर्मेशन टू एक्सप्रेस अ पर्टिकुलर ट्रेट. वही बात बोली है, बस इंग्लिश में बोल दिया उन्होंने, मैंने हिंदी में एक्सप्लेन कर दिया. इन अ डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म देयर आर टू कॉपीज ऑफ ईच जीन. मैंने क्या बोला कि डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म में हर एक जीन की कितनी कॉपीज होती है? 2. इट मीन्स एज अ पेयर ऑफ एलील्स, जिसे हम क्या बोलते हैं? पेयर ऑफ एलील्स. नाउ दीज 2 एलील्स नीड नॉट ऑलवेज बी आइडेंटिकल एज इन हेट्रोजाइगोट, है ना? तो ये जो पेयर ऑफ एलील है ये ज़रूरी नहीं है कि हमेशा सेम हो, है ना? ये अलग भी हो सकती है. अगर सपोज मेरे पास यहाँ पर क्या है, 2 क्रोमोसोम हैं और ये दोनों क्रोमोसोम एक लोकस पर, एक पोजीशन पे प्रेजेंट है, तो ये दोनों आपस में क्या हो गए? होमोलोगस क्रोमोसोम, राइट? ये क्या हो गए? होमोलोगस क्रोमोसोम. अब लोकस का मतलब क्या होता है? लोकस का मतलब होता है वो पोजीशन जहाँ पर किसी जीन की क्या है? उपस्थिति है, पोजीशन है. तो ये लोकेशन होता है जहां पर क्रोमोसोम पर क्या अटैच है? जीन अटैच है. तो ये क्या है? जीन है. सपोज ये वाला जो जीन है मेरे आई कलर को डिसाइड करता है. किसको? आई कलर को डिसाइड करता है. सेम इस होमोलोगस क्रोमोसोम पर, इसी लोकस पर दूसरा जीन प्रेजेंट होगा जो कि मेरी आई कलर की इंफॉर्मेशन को कैरी करेगा. किसको? आई कलर की इंफॉर्मेशन को कैरी करेगा, राइट? अब यहाँ पर ये जीन जो है, जो मेरी आई कलर की इंफॉर्मेशन को कैरी कर रहा है, तो अगर ये जीन अपने आप को एक्सप्रेस कर पाता है तो मेरी आई कलर जो होगा वो क्या होगा? ब्लैक. क्या होगा? ब्लैक, राइट? यहाँ पर ये जो जीन है अगर ये एक्सप्रेस हो पाता है तो मेरी आई कलर जो होगा वो क्या होगा? ब्राउन, राइट? तो ये यहाँ पर जो होमोलोगस क्रोमोसोम है इस पर डिफरेंट डिफरेंट जीन्स हैं, है ना? जो मतलब जीन तो सेम ही कैरेक्टर को कोड कर रहा है, बट क्या है यहाँ पर एक्सप्रेशन अलग अलग है, इनके जो एक्सप्रेशन है वो अलग अलग है, राइट? अब इन दोनों में से जो डोमिनेंट वन है वो अपने आप को हेट्रोजाइगस कंडीशन में क्या कर पाएगा? एक्सप्रेस कर पाएगा. चलिए, अभी मैंने बता रही कि कौन सा डोमिनेंट है, कौन सा रिसेसिव है, वो हम आगे देखेंगे, बट मैंने क्या बोला? जो डोमिनेंट है वो क्या कर पाएगा? अपने आप को एक्सप्रेस कर पाएगा. तो देखिए इन्होंने क्या बोला? नीड नॉट ऑलवेज आइडेंटिकल एज इन हेट्रोजाइगोट, ठीक है? तो यहाँ पर हमेशा ये आइडेंटिकल नहीं होते. यहाँ पर अगर ये ब्लैक होता, ये भी ब्लैक होता, तो ऑब्वियसली बात है ब्लैक ही आएगा, बट यहाँ पर दोनों अलग अलग है. तो अब डिपेंड करता है कि जो गैमीट बने उन गैमीट में कौन सा जीन गया है, ब्लैक वाला या ब्राउन वाला, ठीक है? चलिए तो आगे देखिए. वन ऑफ देम मे बी डिफरेंट ड्यू टू सम चेंजेस दैट इट हैज अंडरगॉन about which you will read further on and in the next chapter, which modifies the information that particular allele contains. Take an example of gene that contain the information for producing an enzyme. ठीक है, तो हम एक एग्जाम्पल लेते हैं उस जीन का जो कि क्या प्रोड्यूस करता है, एंजाइम प्रोड्यूस करता है। और एंजाइम क्या होता है, जल्दी बताइए। एंजाइम प्रोटीन होते हैं मैम, क्या होते हैं, प्रोटीन होते हैं, या मैं बोलूँ क्या होते हैं, ये कैटालिस्ट होते हैं। क्या होते हैं, कैटालिस्ट, जो कि क्या करते हैं, जो रिएक्शन है, जो मेटाबॉलिक रिएक्शन है उसे फास्ट कर देते हैं। ठीक है, तो ये क्या होते हैं, बायोलॉजिकल कैटालिस्ट। और ये किससे बने होते हैं, प्रोटीन से। कौन से प्रोटीन का स्ट्रक्चर, टर्शरी प्रोटीन का स्ट्रक्चर। और ये बन क्यों रहे, क्योंकि इसको फॉर्म करने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, जीन रिस्पॉन्सिबल है। नाउ देयर आर 2 कॉपीज ऑफ दिस जीन, है ना, तो यहाँ पर इस जीन की 2 कॉपीज हैं, है ना, इसके 2 एलील है। द 2 एलिलिक फॉर्म लेट अस अज्यूम, ब्रैकेट में है एज इन मोर कॉमन, दैट द नॉर्मल एलील प्रोड्यूस द नॉर्मल एंजाइम दैट इज नीडेड फॉर द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सबस्ट्रेट। ठीक है, तो यहाँ पे 2 एलील है और ये एलील जो है नॉर्मल एलील है, और ये नॉर्मल एलील क्या कर रही है, नॉर्मल एंजाइम को प्रोड्यूस कर रही है। और ये नॉर्मल एंजाइम जो है ये रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए, ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, किसका, सबस्ट्रेट के ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, राइट। चलिए, तो ये क्या करेगा, ये जो एंजाइम है, नॉर्मल एंजाइम है, सबस्ट्रेट से बाइंड करेगा और सबस्ट्रेट को किस में कन्वर्ट कर देगा, प्रोडक्ट में। चलिए, theoretically the modified allele could be responsible for production of point 1 the normal slash less efficient enzyme, or second option है a non functional enzyme, and third option है no enzyme at all। अब देखिए होगा क्या, अगर इस एलील में मॉडिफिकेशन हो गया, कोई चेंज हो गया, कोई म्यूटेशन हो गया, तो क्या होगा, या तो नॉर्मल एंजाइम बनेगा, है ना, अगर अच्छा खासा एलील है तो नॉर्मल एंजाइम बनेगा, या फिर क्या बन सकता है, लेस एफिशिएंट एंजाइम। एंजाइम काम तो कर रहा है बट उतनी एफिशिएंसी के साथ काम नहीं कर पा रहा है। जैसे कि अगर क्या है, जो एंजाइम फॉर्म हुए वो क्या कर रहे हैं, सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर रहे हैं। जैसे सपोज 100 सबस्ट्रेट है, 100 प्रोडक्ट बन रहे हैं, बट अब क्या हो रहा है, ये जो एंजाइम है इतना रिस्पॉन्सिबल नहीं है, इतना एफिशिएंट नहीं है कि इतने ही सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर पाए, तो इसे हमने क्या बोल दिया, ये एंजाइम जो है वो लेस एफिशिएंट हो गया, राइट। ये कैसा हो सकता है, नॉन फंक्शनल हो सकता है। अगर मॉडिफिकेशन हो गया तो ये जो एंजाइम है वो नॉन फंक्शनल बना, मतलब ये एंजाइम अब किसी काम का नहीं है, मतलब ये अब सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है, राइट। नो एंजाइम एट ऑल, या तो ये हो सकता है कि एंजाइम ही ना बने, जो एलील है वो एंजाइम को कोड ही नहीं कर रहा है, एंजाइम बन ही नहीं रहा है। तो ये क्या है, पॉसिबिलिटीज़ है। अगर उस जीन में या उस एलील में मॉडिफिकेशन हो जाता है तो नॉर्मल जीन जो बन रहा था या नॉर्मल जो एंजाइम बन रहा था, अब वो नॉर्मल ना बन के लेस एफिशिएंट बन सकता है, या नॉन फंक्शनल बन सकता है, या एंजाइम ही ना बने, राइट। तो ऐसी कंडीशंस क्या हो जाती है, ऑब्जर्व हो जाती है, किसमें, मॉडिफिकेशन में। चलिए, अब देखिए, इन द फर्स्ट केस द मॉडिफाइड एलील इज इक्विवेलेंट टू अनमॉडिफाइड एलील। ठीक है, यहाँ पर क्या बोला है कि जो मॉडिफाइड एलील है वो इक्विवेलेंट है किसके, अनमॉडिफाइड एलील के। कैसे, क्योंकि यहाँ पर एंजाइम बन तो रहा है बट लेस एफिशिएंट है, तो हम बोलेंगे चलो कंसीडरेबल है ना, बन तो रहा है, काम तो कर रहा है बट कम कर रहा है, तो चलो इक्विवेलेंट हो गया। फिर क्या बोला, इट मीन्स इट विल प्रोड्यूस द सेम फिनोटाइप, मतलब इसका क्या है कि ये जो फिनोटाइप प्रोड्यूस करेगा वो कैसा होगा, सेम। इट मीन्स रिजल्ट इन द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सबस्ट्रेट, मतलब ये क्या कर सकता है, लेस एफिशिएंट है बट सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में तो कन्वर्ट कर ही सकता है, तो फिनोटाइपिक एक्सप्रेशन तो सेम होगा। अब सच इक्विवेलेंट एलील पेयर आर वेरी कॉमन, इस प्रकार के इक्विवेलेंट एलील जो होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा कॉमन है। अब देखिए, वट इफ द एलील प्रोड्यूस अ नॉन फंक्शनल एंजाइम, परंतु अगर जो एलील है वो क्या बना रहा है, नॉन फंक्शनल एंजाइम बना रहा है, या नो एंजाइम, कोई एंजाइम ही नहीं बना रहा, तो फिनोटाइप जो है वो क्या हो जाएगा, अफेक्ट हो जाएगा, मतलब फिनोटाइप जो है वो चेंज हो जाएगा। क्या क्लियर है? तो पहली कंडीशन में जब मॉडिफिकेशन पर क्या बन रहा था, लेस एफिशिएंट या नॉर्मल एंजाइम बन रहा था। तो इतनी ज़्यादा आपको चेंजेस देखने को नहीं मिले किसमें, फिनोटाइप में। फिनोटाइप एज इट इज़ रहेगा, है ना, क्योंकि यहाँ पर एफिशिएंसी कम हुई है, तो एफिशिएंसी से फिनोटाइप पर कोई भी चेंज नहीं जाएगा। वहीं पर दूसरी कंडीशन बनती है कि मॉडिफिकेशन पर नॉन फंक्शनल या नॉन स्ट्रक्चरल एंजाइम बन रहे हैं, और या तो एंजाइम ही नहीं बन रहे, तो ऑब्वियस सी बात है एंजाइम नहीं बन रहे हैं या नॉन फंक्शनल बन रहे हैं, तो फिनोटाइप तो अफेक्ट होगा ही, है ना, होगा या नहीं होगा। चलिए अब देखिए, द फिनोटाइप स्लैश ट्रेट विल ओनली बी डिपेंड ऑन द फंक्शनिंग ऑफ अनमॉडिफाइड एलील। तो इन्होंने क्या बोला कि जो फिनोटाइप होता है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, वो सिर्फ फंक्शनिंग पे डिपेंड कर रहा है, ना कि इस पे कितना कम कितना ज़्यादा है, बस वो क्या होना चाहिए, फंक्शनिंग होनी चाहिए। अब द अनमॉडिफाइड मतलब फंक्शनिंग एलील विच रिप्रेजेंट्स द ओरिजिनल फिनोटाइप इज द डोमिनेंट एलील एंड द मॉडिफाइड एलील इज जनरली द रिसेसिव एलील। ओके, तो यहाँ पर इन्होंने क्या बोला, जो फिनोटाइप एक्सप्रेस होता है, ठीक है, ओरिजिनल फिनोटाइप, उसमें डोमिनेंट एलील जो है, क्या बोला, रिप्रेजेंट्स द डोमिनेंट एलील, एंड रेसेसिव एलील जो मॉडिफाइड एलील है वो किसको बता रहा है, रेसेसिव एलील को। अनमॉडिफाइड एलील जो है वो डोमिनेंट एलील को एक्सप्रेस कर पा रहा है या डोमिनेंट फिनोटाइप को एक्सप्रेस कर पा रहा है, वहीं पर जो मॉडिफाइड एलील है वो किसको एक्सप्रेस कर पा रहा है, जनरली रेसेसिव एलील को। अब देखिए, हैंस इन द एग्जाम्पल अबव द रेसेसिव ट्रेट इज सीन ड्यू टू नॉन फंक्शनल एंजाइम। तो जो रेसेसिव ट्रेट है उसका जो आपको फिनोटाइप दिखेगा वो कैसा दिखेगा, नॉन फंक्शनल, और बिकॉज नो एंजाइम इज प्रोड्यूस्ड, राइट। चलिए तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए तो हम एक बार ब्लैंक स्लाइड पे समझ लेते हैं, एक एग्जाम्पल और बताती हूँ जिसमें इनकम्प्लीट डोमिनेंस देखने को मिलता है हमें। चलिए तो देखते हैं, ये क्या है, पेरेंट, क्या है, पेरेंट, एक पेरेंट है ब्लैक, क्या है, एक पेरेंट है ब्लैक और एक पेरेंट है वाइट, और ये ट्रू ब्रीडिंग है, क्या है, ट्रू ब्रीडिंग, मतलब ये जो ब्लैक पेरेंट है ये कैसे है, प्योर ब्लैक है, मतलब यहाँ पर इसके जो अलील होंगे वो कैसे होंगे, होमोजाइगस कंडीशन में होंगे, कैसे, होमोजाइगस कंडीशन में। यहाँ पर जो एलील्स होंगे वो कैसे होंगे, होमोजाइगस कंडीशन में। तो मैं इसे ऐसे दिखा देती हूँ, राइट। चलिए अब क्या होगा, यहाँ पर बनेंगे गैमीट्स, क्या बनेंगे, गैमीट्स। तो हम गैमीट्स बना देते हैं, यहाँ पर होगा कैपिटल B और यहाँ पर होगा स्मॉल W, राइट। चलिए तो यहाँ पर गैमीट बन गए, ये गैमीट किसके हैं, गैमीट्स ऑफ पेरेंट। चलिए तो अब गैमीट बन ही गए हैं, तो इन गैमीट का हमें क्या कराना है, फ्यूजन कराना है, क्या कराना है, फ्यूजन कराना है। तो यहाँ पर हमने क्या कराया है, फ्यूजन ऑफ गैमीट करा दिया। तो यहाँ पर फ्यूजन ऑफ गैमीट जब होंगे तो आपको जाइगोट मिलेगा, और उस जाइगोट में कौन से एलील होंगे, ये एलील होगा, राइट, ये एलील होगा। तो यहाँ पर आपको एक B मिल रहा है और एक W मिल रहा है, दो एलील मिल रहे हैं, एक पेयर मिल रहा है ना एलील का, जिसमें एक एलील जो है वो B है और दूसरा क्या है, W है। तो आपको क्या लगता है इसमें डोमिनेंट वन कौन सा है, कैपिटल B या W, या मैं बोलूँ डोमिनेंट कैरेक्टर कौन सा है, ब्लैक कैरेक्टर या वाइट कैरेक्टर। तो आप बोलोगे मैम जो ब्लैक कैरेक्टर है वो डोमिनेंट वन है एंड वाइट कैरेक्टर जो है वो रिसेसिव वन है। तो ये जो आपकी पहली प्रोजेनी आपको फॉर्म हुई है या मिली है, तो इसमें आपको कौन सा कलर देखने को मिलेगा, ब्लैक कलर मिलेगा आपके हिसाब से, ऐसा होना चाहिए, है ना, बट ऐसा नहीं हुआ। यहाँ पर आपको कौन सा कलर शो हुआ, यहाँ पर हुआ आपको ऑल ब्लू, मतलब जितनी भी प्रोजेनी बनेगी वो कैसी होगी, जल्दी बताइए, ब्लू कलर की, कैसी, ब्लू। क्योंकि यहाँ पर क्या हुआ है, ब्लैक और डब्लू जो वाइट है उसके मिक्सिंग से कौन सा कलर बना है, ब्लैक कलर। तो यहाँ पर आपको देखिए क्या बना, ब्लैक कलर। अब ये जब ब्लैक कलर बना है, ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, बी डब्लू और बी डब्लू की सेल्फिंग कराएंगे, ठीक है। तो ये F1 की क्या हो गई, सेल्फिंग हो गई, क्या हो गई, सेल्फिंग। तो यहाँ पर क्या हो गई, F1 की सेल्फिंग। राइट, तो ये क्या हो गई, F1 की सेल्फिंग। अब F1 की जब सेल्फिंग होगी तो पहले क्या बनेगा, पहले बनेगा गैमीट। क्या बनेगा, गैमीट। तो हम गैमीट बना देते हैं। तो यहाँ पर क्या बनाते हैं, गैमीट। तो यहाँ पर जो गैमीट बनेंगे वो क्या बनेगा, कैपिटल बी और W, और यहाँ पर क्या बनेगा, कैपिटल बी और W। राइट, अब ये हो गए गैमीट ऑफ F1 जनरेशन। क्या हो गए, गैमीट ऑफ F1 जनरेशन। चलिए, तो अब हम क्या करेंगे, पुनेट स्क्वायर बना लेते हैं। बिना पुनेट स्क्वायर के भी काम हो सकता है, बट हम क्या करते हैं, इजी करने के लिए उसकी मदद ले ही लेते हैं। तो यहाँ पर बना लिया हमने पुनेट स्क्वायर, और यहाँ पर ले लेते हैं हम हमारे गैमीट्स, कैपिटल बी, डब्लू, यहाँ पर बी और W, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए दो कैपिटल B आ जाएंगे, यहाँ पर एक कैपिटल B और W आ जाएगा, और यहाँ पर भी आ जाएगा कैपिटल B एंड W एंड W एंड W। क्लियर है, तो ये आपकी क्या हो जाएगी, F2 जनरेशन। क्या हो जाएगी, F2 जनरेशन, जिसे हम सेकेंड फीलियल जनरेशन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, सेकेंड फीलियल जनरेशन। राइट, चलिए, तो अब देखिए क्या होगा, यहाँ पर अगर मैं आपसे बोलती हूँ इसका फिनोटाइप लिखिए, तो आप लिखोगे क्या, फिनोटाइप के लिखोगे कि भाई एक तो क्या दिख रहा है आपको, ब्लैक कलर का, दो ब्लू कलर के और एक वाइट कलर का। तो आप बोलोगे यहाँ पर जो रेशियो है वो 1:2:1 का रेशियो आ रहा है। तो 1 क्या है, ब्लैक है, 1 क्या है, ब्लैक है, 2 क्या है, ब्लू है, और 1 क्या है, वाइट है। राइट, वहीं पर मैं आपसे बोलूँ जीनोटाइप बताइए, तो आप जीनोटाइप भी बता दोगे, उसमें कौन सी बड़ी बात है। तो जीनोटाइप क्या बताओगे आप, 1:2:1, 1:2:1, क्या यही आएगा जीनोटाइप भी। तो देखिए इसमें 1 का जो जीनोटाइप है उसका एलील क्या होगा, कैपिटल बी, कैपिटल बी। 2 का क्या होगा, बी डब्लू, और 1 का क्या होगा, डब्लू डब्लू। राइट, तो यहाँ पर देखिए फिनोटाइप और जीनोटाइप आपको क्या मिल रहा है, सेम मिल रहा है। क्या मिल रहा है, सेम मिल रहा है। मिल रहा है या नहीं, जल्दी बताइए। यहाँ पर आपको फिनोटाइप और जीनोटाइप का रेशियो सेम मिल रहा है या नहीं। और देखिए F1 जनरेशन को, F1 जनरेशन में आपको ना ही ये जो F1 जनरेशन की प्रोजेनी जो है या जो इंडिविजुअल्स है, ना तो वो ब्लैक पेरेंट्स से मैच कर रहा है, ना ही वाइट पेरेंट्स से मैच कर रहा है। वो तो क्या है, इंटरमिक्सिंग से हुआ है, ठीक है। यहाँ पर जो डोमिनेंट कैरेक्टर है वो अपने आप को 100% एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा। जो फर्स्ट प्रोजेनी है या फर्स्ट जनरेशन है, उसके जो इंडिविजुअल्स है उसमें जो कैरेक्टर मिल रहा है वो इन बिटवीन बोथ द पेरेंट्स वाला है। राइट, तो यहाँ पर ना तो वाइट है ना तो ब्लैक है, यहाँ पर कैसा कलर मिला, ब्लू है ना। तो आपने करा होगा वाटर कलर का, थोड़ा सा आपको कौन सा ब्लू कलर बनाना है, तो आपने ब्लैक और वाइट को मिक्स करते गए और ब्लू बन गया। तो वैसे ही यहाँ पर हो रहा है। राइट, चलिए, तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, पहले जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। ओके, चलिए, तो आपने स्क्रीनशॉट लिया, जल्दी बताइए स्क्रीनशॉट लिया। चलिए, तो ले लिया स्क्रीनशॉट। तो अब बात आती है, ये मैम आपने बता तो दिया, ये किसका एग्जाम्पल है, तो ये है आपका इनकम्प्लीट डोमिनेंस का एग्जाम्पल। और इनकम्प्लीट डोमिनेंस ये जो है ये किस में देखने को मिलता है, ये मिलता है आपको फेदर कलर इन एंडलूशियन फाउल। ठीक है, तो एक फाउल होता है एंडलूशियन, उसमें उसके फेदर कलर में आपको ये कंडीशन देखने को मिलती है। ठीक है, चलिए तो ये कहाँ मिलेगी आपको, फेदर कलर इन एंडलूशियन फाउल। ठीक है, समझ में आया। तो यहाँ पर देखिए आपको क्या दिख रहा है, एक ब्लैक, ब्लू, ब्लू और वाइट, राइट। चलिए तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया, इसका स्क्रीनशॉट ले लिया। चलिए चलते हैं, तो हमने यहाँ पर लॉब सेग्रीगेशन कंप्लीट कर लिया, इनकम्प्लीट डोमिनेंस भी अच्छे से कंप्लीट कर लिया, जो एनसीईआरटी में नहीं दिया था उसे भी हमने कवर कर लिया। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड कमेंट करना बिल्कुल मत भूलेगा। तो आप हमें हमारे यूट्यूब चैनल पर तो ऑलरेडी फॉलो कर रहे होंगे, ऐसा मैं सोच रही हूँ, अगर नहीं कर रहे तो जल्दी से पहले फटाफट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए, जिससे सारे के सारे अपडेट्स, नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल सके, सारी वीडियोस आप टाइम पर देख सके, चाहे वो फिजिक्स की हो, केमिस्ट्री की हो, बायोलॉजी की हो या मैथमेटिक्स की हो। अगर सारी वीडियोस आप टाइम पर देखेंगे तो आपका बैकलॉग होगा जीरो और पढ़ने में अलग ही मजा आएगा। इसके अलावा आप हमें फॉलो कर सकते हैं हमारे पेज पर एंड ऑफिशियल वेबसाइट पर, दैट इज www.magnetbrains.com। इसके अलावा आप हमें फॉलो कर सकते हैं हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स जैसे कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, ट्विटर एंड व्हाट्सएप। आप अवेल कर सकते हैं ई नोट्स एंड ई बुक की फैसिलिटी, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है। तो चलते हैं हमारे टॉप कोर्सेज की तरफ। हमारे टॉप कोर्सेज आपको हिंदी मीडियम चैनल एंड इंग्लिश मीडियम चैनल दोनों पर मिलेंगे। मैग्नेट ब्रेन्स के दो चैनल हैं, हिंदी मीडियम चैनल एंड इंग्लिश मीडियम चैनल। इन दोनों चैनल पर सेपरेट आपको हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम में सिलेबस कंप्लीट कराया जाता है। बात आती है इन चैनल पर कौन कौन से कोर्सेज अवेलेबल है, तो यहाँ पर आपको अवेलेबल है CBSE बोर्ड। CBSE बोर्ड के अलावा आपको स्टेट बोर्ड्स की तैयारी भी कराई जाती है, जैसे कि दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, MP बोर्ड एंड राजस्थान बोर्ड। इसके साथ ही वैदिक मैथ्स, क्रैश कोर्स एंड स्पोकन इंग्लिश, ये सारे के सारे कोर्सेस आपको हाई क्वालिटी एजुकेशन के साथ 100% फ्री में मिलते हैं। जी हाँ, आपने सही सुना, मैग्नेट ब्रेन्स प्रोवाइड कराता है अनपेड सब्सक्रिप्शन। तो जुड़े रहिए मैग्नेट ब्रेन्स से एंड मुझसे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।